तेज प्रताड़ना के मामले में पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता ने बताया कि उसने अपने पति के खिलाफ 9 नवंबर को महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन महिला के जेवरात अभी तक ससुराल वालों के पास हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बीकानेर में समान काम समान वेतन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संघ तकनीकी शाखा की ओर से जिला कलेक्टर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कर्मचारी ने बताया कि दिसंबर से तकनीकी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, जिसके चलते नरेगा संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में मजबूरन उन्हें धरना देना पड़ रहा और उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक सभी कर्मचारी आंदोलन करते रहेंगे।